दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है क्योंकि आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है और आपको इस वीडियो से काफी मजा आएगा और इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि ये है टेली प्राइम का नया अपडेट। और अब टेली प्राइम के इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब ये अपडेट अभी आने वाला है और कब तक आता है ये तो अभी कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन इस अपडेट में काफी कुछ नया है, ये इसका बीटा वर्जन है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स नए आ रहे हैं वो चेक करते हैं। तो लेट सी, पहला फीचर जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आपको मिल जाता है हर एक ईबुक के अंदर आप चेक करें तो यहां पर भी वो फीचर अवेलेबल है। ये फीचर आपको हर उस स्क्रीन पर मिलेगा जहां पर भी आप कोई रिपोर्ट चेक कर रहे होंगे। तो लेट सी, अभी यहां पर मैं प्रेस करता हूं F12 और F12 प्रेस करते ही यहां पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड अनेबल स्ट्रिप व्यू का। इस ऑप्शन को आप यस करिए और अब आप देखिए क्या हो रहे। तो इससे क्या होता था दोस्तों, कई बार हम लोग जब एंट्रीज पास कर रहे होते थे और हमें ये नहीं पता चलता था कि जो अमाउंट है वो कितना है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट के बीच में एक लाइन को एग्जैक्टली ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब आपके लिए ऐसा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अब आप देखिए आप प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे कि कौन सा अमाउंट किसके लिए एलिजिबल है। और ऐसा सिर्फ इसके लिए ही नहीं, आप एंट्री में भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कोई एंट्री पास की हुई है और डे बुक के अंदर अगर आप वो एंट्री खोलते हैं और आपको ये पता नहीं चलता कि यहां पर 2-3 अमाउंट डेबिट 2-3 अमाउंट क्रेडिट कर रखे हैं और इसमें भी आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा अमाउंट किसका है, तो आप F12 प्रेस करके इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। ये ऑप्शन यस करते ही आपको कुछ इस तरह से रिपोर्ट दिखना शुरू हो जाएगी और अब आप यहां पर अमाउंट भी और कोई भी एंट्री लाइन बाय लाइन आराम से चेक कर सकते हैं क्योंकि भैया यहां पर ये फीचर अवेलेबल है। चलिए पहला फीचर आपने देख लिया, बात करते हैं दूसरे अमेजिंग फीचर की और ये मेरा बहुत फेवरेट फीचर है और ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपका काफी वक्त इससे सेव हो जाता है। और ये फीचर कौन सा है, लेट सी। आप लोग जब ऑल्टर में जाएंगे, यहां पर आप लेजर में जाएंगे और जब लेजर क्रिएट करेंगे ना दोस्तों, तो ये फीचर आप लोगों के लिए अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस फीचर का बेनिफिट आप लोगों को यह होगा कि लेजर तो अब अपने आप बन जाएगा। ओ माई गॉड, ये कैसे होगा? तो यहां देखिए आप लोगों को राइट साइड में एक फीचर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज फास्ट डिटेल फ्रॉम यूजिंग जीएसटी। अब आप यहां फास्ट डिटेल करें और यहां पर जैसे ही जीएसटी नंबर डाल देंगे उसके बाद तुरंत ही आप देखिए मैंने यहां पर एक जीएसटी नंबर बैंक का एंटर कर देता हूं, तो बैंक का जीएसटी नंबर मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊं तो यहां सामने स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये देखिए बैंक की जो डिटेल्स है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और आप लेजर बनाने की बात करें तो भैया अब जैसे ही ऐसे कंट्रोल ए कर देंगे ना, एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लेजर है वो आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से तो लेजर तैयार हो जाएगा और इस तरीके से दिखाई देगा। भाई साहब बहुत ही कमाल का फीचर है, इसे यूज करिए, काफी बेनिफिट होगा, इससे आपकी स्पीड क्रिएशन में बहुत तेज हो जाएगी। बात करें अगले फीचर की तो ये है सारे के सारे जीएसटी से रिलेटेड फीचर। दोस्तों जीएसटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहां पे सॉर्ट आउट हुए हैं, अब आपकी जीएसटी की सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो सकती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर ऑल्ट जेड में जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले तो पहला ही ऑप्शन आपको जीएसटी का लॉग इन और लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे आप क्लिक करके जीएसटी का लॉग इन कर सकते हैं। तो यहां पर जीएसटी लॉग इन करिए और जैसे ही जीएसटी लॉग इन करेंगे भैया अपना पोर्टल वाला लॉग इन यहां डालेंगे तो जीएसटी नंबर जो भी आप डालते हैं भाई उस जीएसटी नंबर का पोर्टल लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या काम हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप ऑल्ट जेड प्रेस करें, आप जितनी भी रिटर्न्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम टेली। वाओ, टेली सॉफ्टवेयर ही बन गया आप तो आपके अपलोडिंग जीएसटी रिटर्न के लिए। आप इस पर क्लिक करिए, यहां पर आपको जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने जिस भी मंथ की आपको स्टेटमेंट देख रही है और देखने के साथ साथ आप उसे सीधा पोर्टल पे अपलोड मारना चाहते हैं, यानी सीधा जेसन अपलोड मारना चाहते हैं, आपको कोई गलती नहीं दिखती, तो भैया सीधा मंथ सिलेक्ट करिए और आप ये देखिए यहां पर आपको पता चल रहा है कि उस किस स्टेट की है और स्टेट यहां पर दिखा रहा है। साथ ही आपको यह भी पता चल रहा है उसका जीएसटी रेट क्या है, उसका मिल रेट वाली समरी क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहां पे दिख रही है। और ये डिटेल्स डायरेक्टली आप यहां पे सेंड के बटन पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके आप सिस्टम में ही एक्सपोर्ट करके उसे चेक कर सकते हैं। तो काफी अमेजिंग पॉइंट है दोस्तों ये, और इससे आप काफी बेनिफिट
उठा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, डायरेक्टली अब जीएसटी की रिटर्न भैया अपलोड हो जाएगी टैली से ही। ओहो क्या बात है। चलिए तो इसी तरीके से आप 3B भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। उसके बाद आप ऑल्ट जे प्रेस करें और यहां पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई भी रिटर्न। ओ अगर आप किसी भी मंथ की कोई रिटर्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी आप लोग यहां से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल रिटर्न डाउनलोड करनी है तो भाई यहां पर कॉन्फिगर पर जाइए, यहां पर आपको बताना होगा कि भैया कौन से रिटर्न आपको डाउनलोड करनी है। तो आप GSTR1 डाउनलोड करना चाहते हैं एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद किस महीने की करना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। लेट्स सपोज मैं यहां पर अगस्त महीने की करना चाहता हूं तो मैंने यहां पे अगस्त डाल दिया और जैसे ही मैंने अगस्त डाला उसके बाद यहां पर वो मुझे दिखाएगा अगस्त महीने का डाउनलोड ऑप्शन। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा ऑटोमेटिकली ये फीचर से वो रिटर्न सारी की सारी डाउनलोड हो जाएगी। ओहो कमाल है ना। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आप लोगों को यहां पे मिलता है भाई फाइल योर GSTR1। यहां पर आप डायरेक्टली फाइल का ऑप्शन देख रहे हैं कि भैया डायरेक्टली आपकी GSTR1 जो है फाइल हो जाएगी यहां से किसी भी पीरियड की। ओहो क्या बात है। तो यहां पर आप लोगों को सिंपली बस प्रेस करना है और काम हो जाएगा। ओ माय गॉड। चलिए इसके अलावा एक फीचर और भी है और वो फीचर कौन सा है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले पर, डिस्प्ले पर जाने के बाद आप जाइए लेजर पर और लेजर पर जाने के बाद आप किसी पार्टी को ओपन कर लीजिए। अकाउंट बुक पे जाने के बाद आप लेजर पे जाइए और यहां पर कोई पार्टी ओपन कर लीजिए। जैसे यहां पर ये पार्टी मैंने ओपन कर ली है और जैसे ही इस पार्टी के बारे में सारी डिटेल्स मैं जानना चाहता हूं यहां पर मैंने F12 प्रेस किया और F12 प्रेस करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ITC रिस्क बैलेंसेज, इसे यस करिए। जैसे आप इसे यस करते हैं उसके बाद इसके सारे ऑप्शंस को आप यस करते हैं तो दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि पोर्टल पर जितनी भी डिटेल्स इसकी दिखाई दी होंगी ना वो सारी यहां पे शो हो जाएंगी। अगर आपका अमाउंट यहां पर आपकी बुक्स में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपका पोर्टल पर ही अपडेट हो रखा है तो भैया क्या अपडेट हो रखा है वो यहां पर आपको दिखाएगा और डिफरेंस में अगर आपका कुछ कम ज्यादा है तो वो शो कर देगा। यानी रिकंसिलिएशन प्रोसेस बहुत ही आराम से पार्टी वाइज कर सकते हैं आप और जान सकते हैं कि भाई कौन सा अमाउंट आप लोग का पोर्टल पे चढ़ा है कौन सा अमाउंट नहीं चढ़ा है, तो प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। उसके अलावा आप यहां पर अगर F10 प्रेस कर दें तो यहां पर पोर्टल से रिलेटेड डिटेल्स आपकी पैच हो जाएंगी और आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा हर एक बिल के अंदर। ओहो कमाल की चीज है ना। तो यहां पर अगर आप चेक करें इसी भी किसी भी सेक्शन पर आप क्लिक करके आप सेम प्रोसेस करेंगे F7 और F7 प्रेस करते ही आपको वो दिखाएगा कि भाई कितना अमाउंट पोर्टल पर और कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आपको शो कर देगा। इससे आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपनी गलतियां ढूंढ सकते हैं, तो है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे फीचर्स काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ Mad.